हेलो एवरीवन, मैं हूँ रोशनी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का ब्लॉग है बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज मैं जा रही हूँ। हाँ बेटा, हाँ तो आज मैं जा रही हूँ मेकअप के लिए, मतलब मेकअप करने के लिए। गरबा जो लड़कियाँ हैं उनको गरबा का नवरात्रि के लिए मेकअप करवाना है, तो बस उन लोगों का मेकअप करने जा रही हूँ। तो दिखाऊंगी किस तरह से करती हूँ मैं और फिर मिलती हूँ वहाँ पे जाके आप लोगों से। तो मेरे लिए तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है मेकअप करके देना किसी का भी। तो बस वहाँ पे जाती हूँ, आप लोगों से मिलती हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ। मैं पहुँच गई हूँ दाई के घर पे, जहाँ पे सारी लड़की आएंगी मेकअप के लिए और बस अभी आने वाली है। तो इकट्ठे आज 6 लड़कियों का मेकअप करके देना, देखते कैसे होता है, कितना टाइम लगता है। तो अभी बस पहुँचने वाली लड़कियाँ, बस मेकअप करूँगी इसके बाद में। और यहाँ पर हमारी तैयारी हो गई है, सेटअप लग रहा है। तो आज जो है ना, मेरे मन का मतलब मन पसंद जो काम बोलते हैं ना कि किसी को करने की बहुत इच्छा होती है और वो काम आप कर रहे हो, तो वो काम मैं आज कर रही थी। क्योंकि मुझे मेकअप करना, करके देना स्पेशली दूसरों का बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मॉर्निंग के जितने भी काम थे मेरे मेरे सारे कुकिंग वगैरह, खैर मेरा तो उपवास था, हस्बैंड का भी था, फास्ट वगैरह, बाकी घर में भी सबका था। तो थोड़ा कुछ ज़्यादा बनाना नहीं था मुझे, तो बस बाकी के जो बाकी के काम थे, झाड़ू वगैरह करना है, क्लीनिंग वगैरह करना है, तो सब कुछ किया। उसके बाद मैं लगभग 12 बजे मेरे घर से चली गई थी क्योंकि काफ़ी सारी लड़कियाँ थी, 6 मेकअप थे एक साथ करने और काफ़ी टाइम लगता है करने के लिए, तो मैं जल्दी निकल गई थी करने के लिए। तो मेरा फेवरेट काम जो बोलते हैं ना, वो मैं आज कर रही थी और मुझे बहुत सुकून मिल रहा था। मैं नहीं बता सकती कि मुझे कितना अच्छा लग रहा था सबका मेकअप करके। और जब आप कोई काम करते हो और किसी को पसंद आता है, तो उससे ज़्यादा सुकून मिलता है दिल को कि नहीं, आपने जो काम किया है वो लोगों को पसंद आ रहा है, तो उन्हें बहुत अच्छा लगा, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि नहीं उन्हें पसंद आ रहा है करके। तो जो मैंने मेकअप किया उसका प्रॉपर वीडियो कोई भी नहीं लिया है क्योंकि काफी सारी लड़कियां थी, अगर इतना सारा मैं लेती तो मेरा वीडियो काफी लंबा हो जाता है, इसलिए प्रॉपर मेकअप मैंने कुछ भी नहीं लिया है और बस छोटे छोटे क्लिप्स बनाती गई ताकि आप, ताकि सबका कुछ ना कुछ मतलब मेकअप का जो है वो निकल जाए, ताकि आप लोगों को लगे नहीं हाँ मैंने किया है मेकअप करके। तो बस बहुत अच्छा लग रहा था मुझे मेकअप करते हुए, और उन लोगों को देख के जब मैं होते जा रहा था, उनके प्यारे प्यारे से फेस देख के मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो ये मेरी जो है नीज़ है, और जो बाकी की गर्ल्स है सारी, इसकी फ्रेंड्स थी जो आई थी मेकअप करवाने के लिए। और नवरात्र में मैंने काफ़ी सारे व्लॉग्स बनाए, लेकिन नवरात्र का टाइम ऐसा होता है ना कि काफ़ी बिज़ी था, और खासकर मेरे 2-4 दिन थे तो बहुत ज़्यादा बिज़ी थे, तो इसके कारण मैंने कोई भी व्लॉग एडिट नहीं किया। हाँ, ये बीच में एक डाला था हस्बैंड के बर्थडे का, और लास्टली मैंने अभी डाला दशहरे का, क्योंकि उसमें मुझे ज़्यादा कुछ मेहनत करनी नहीं थी, बस वॉइस ओवर ज़्यादा करना नहीं था, इसलिए वो हो गया। लेकिन ये बाकी के जो व्लॉग्स थे इसमें काफ़ी सारा वॉइस ओवर करना था, तो इसलिए मैंने, और एडिटिंग भी काफ़ी ज़्यादा थी, तो इनमें मैंने, इनको मैंने एडिट नहीं किया था। तो मैंने सोचा कि नहीं, अभी इसके बाद में एक एक करके सारे व्लॉग्स डाल देती हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय भी हम लोगों ने किया। हम लोग बाहर गए थे दुर्गा जी देखने के लिए, वो भी मैंने व्लॉग बनाया है, तो आगे के मतलब आगे मैं डालूँगी, कल परसों में शायद मैं डाल दूँगी, तो वो भी व्लॉग इसके बाद डालूँगी। उसके बाद घर में जो है नवमी की पूजा हुई थी, हवन वगैरह सब कुछ, तो वो भी सब कुछ मैंने व्लॉग बनाया है। बस यही है कि एडिट करने का टाइम नहीं मिला, तो अभी एक एक, अभी टाइम मेरे पास है तो एक एक करके मैं भी इसको एडिट कर रही हूँ। तो अभी एक एक करके जो व्लॉग्स हैं मेरे आया करेंगे, तो बस आप इन्जॉय कीजिए इसको। और इसके बाद, और जो नवरात्र का टाइम होता है ना, कैसे जाता है कुछ पता नहीं चलता है, कब ख़त्म, कब नवरात्र आती है, कब चली जाती है। और साथ ही इस बार मैंने मंदिर में प्रसाद भी किया था, लंगर मतलब छोटा सा एक किया था, तो उसका भी व्लॉग बनाया है, तो भी जल्दी आ जाएगा।
और ये जो व्लॉग है वो मैंने बनाया था 30 तारीख को, तो 30 तारीख और 1 तारीख दोनों दिन मेरे मेकअप थे। तो फर्स्ट डे तो मुझे शाम को 6 पौने 7 करीबन बज गए थे, घर आते आते काफ़ी टाइम हो गया था क्योंकि काफ़ी सारे मेकअप थे। नेक्स्ट डे बहुत जल्दी हो गया था मेरा क्योंकि लड़कियाँ भी बहुत जल्दी आ गई थी। तो जो आखिरी मेकअप है वो भी मेरा डन है, मतलब ये छठा मेकअप है। तो आज पूरे दिन का मैंने 6 मेकअप किए हैं, तो कैसा लग रहा है? बहुत ही सुंदर, ऐसा लग रहा है कि मिस यूनिवर्स हो गई हूँ। तो ये मेरा आखिरी मेकअप है और बस सामान वगैरह सब कुछ रख लिया, इसके बाद मैं जाऊंगी घर, फिर घर में जाके आप लोगों से मिलती हूँ। सेकेंड डे, कल वहाँ से आने के बाद मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था क्योंकि काफ़ी थक गई थी, दिन भर मुझे खड़े रहना पड़ा तो मैं काफ़ी थक गई थी, उसके बाद कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। और बस घर में आने के बाद आरती वगैरह हुई घर की, फिर खाना वगैरह खाया, उसके बाद बस रेस्ट किया था। और आज है सेकेंड डे, तो आज फिर से मेकअप के लिए जा रही हूँ, 4 लड़कियों का फिर से आज मेकअप है। तो बस ये था व्लॉग, कैसा लगा ज़रूर बताना, और अगर आगे कुछ रिकॉर्ड करूँगी तो ज़रूर शेयर करूँगी आप लोगों के साथ में। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।